हेलो एंड वेलकम मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं ऐसी हीरोइन जो आंखों से मुस्कुराती और ये पिछले 22 साल में मुझे और दूसरा कोई एग्जांपल ऐसा मिला नहीं जो रानी की तरह आंखों से मुस्कुराता हो रानी बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू पराग थैंक यू मतलब सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि बंटी बबली जो अभी पूरा हमने दुनिया देख रही है कोरोना का एक वो उसमें सूर्यवंशी आई या बंटी बबली आ रही है तो उम्मीद से दुगुने की उम्मीद तो की जा सकती है मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ आप मतलब बना दीजिए तो मतलब मतलब मजा आ जाएगा क्योंकि दुगना आई थिंक ऑडियंस ही करती है तो मेरा तो यही मैं चाहूंगी यही इतना प्रार्थना हमने किया है आ, मतलब ये जो दो साल हमारे इंडस्ट्री को एक आ, आ, ना एक अन, प्रिडिक्टेबिलिटी हम जानते नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है तो एक डर जो था अभी फाइनली इतना प्रेयर किया हमने इतना इतनी प्रार्थना की कि कि आज हमें उस दिन को देखने को देखने मिल रहा है कि हमारी फिल्म सिनेमा घरों में आ रही है तो ये हमारे लिए अभी एज ए फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही मतलब बड़ी बात है एंड इट्स लाइक अ फेस्टिवल कि फाइनली हमारी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही है जैसे आपने मेरे साथ इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं वो फ्राइडे बड़ी आम हुआ करती थी कि हर फ्राइडे कोई ना कोई रिलीज हो रही है और अब ऐसे हो गया है कि एक फ्राइडे को पिक्चर आना मतलब एक जो एक उत्साह है एक एंथुजियाजम है हमारी मतलब इंडस्ट्री की या जो फिल, जो लोग फिल्मों से जुड़े हैं उनके लिए एक बहुत मतलब बड़ी बात है मतलब लिटरली uh, मतलब इमोशनल सा होने लगता है जब आप सिनेमा घर में जाने की बात सोचते हो आपको लगता है यस गोल्डन डेज आर बैक फाइनली आई होप सो एंड होपिंग की और दहशत ना फैलाए हमारी ये मतलब कोरोना की जो मतलब बीमारी है और फाइनली इस पूरे मतलब जो वर्ल्ड से ये निकल जाए बस यही तो रानी मतलब बल्टी पबली जो है अब यंगर जनरेशन को क्योंकि हमको राकेश और पबली देख लेते हैं हम तब भी हम खुश थे यंगर बंटी बबली आने के पीछे क्या लॉजिक था क्यों आ, उनको आना पड़ा? थिंक ये एक कहानी का एक uh, मतलब जरिया था जो मेरे ख्याल से आदि और वरुण का एक आई थिंक आदि का स्टोरी आइडिया था कि जब अगर कभी भी बंटी बबली की सीक्वल बने तो इस कहानी को हम आगे कैसे मतलब बढ़ बढ़ा के ले जा सकते हैं क्योंकि जो बंटी बबली वन का जो एक एंड था, था कि वो लोगों ने uh, मतलब ठगना बंद कर दिया है क्योंकि दशरथ सिंह का डंडा पड़ता है और फिर वो बोलते कि अच्छा अब हम ये काम छोड़ देंगे और एक अच्छी जिंदगी मतलब व्यतीत करेंगे और वहां से एंड होता है बंटी बबली वन और ये बंटी बबली टू जो शुरू होता है ये अब दस साल बाद हम देखते हैं कि विम्बी और राकेश कहाँ मतलब मिलते हैं कि वो अपने गृहस्थी में बड़े खुश है अपनी लाइफ में बड़े खुश है और उनको कहीं से पता चलता है कि उनका जो एक नाम है ब्रांड है बंटी बबली का वो इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग लोगों को ठगा जा रहा है और तब ये जो कैटन माउस चेज शुरू होती है तो ये इस फिल्म का एक खास एक आई वुड से पहलू था और इसी वजह से शायद बंटी बबली टू भी बनी है तो दो लोगों का आना बहुत ही जरूरी था इस सीक्वल में ताकि जब ये यंग लोग आते हैं हमारी में, ये हमारे सीक्वल को और भी चारो चांद लगा देते हैं और वो फ्रेशनेस लेकर आते हैं जो शायद हमें जरूरत है क्या बात गाने ऑलरेडी हिट हो ही चुके हैं सारे और साथ ही साथ दर्शकों की जो क्यूरियसिटी है जिसको अपन बोलते हैं आपका रेड कलर देख के और मुझे लग रहा है रेड हॉट है तो क्या तो इस उम्मीद से अभी भी तो, लगता लगता मतलब तो मतलब इंसान ही नहीं हूं. एक का एक रहता ही है कि आप जितना भी आपको फेलियर्स हो जाए या सक्सेस हो जाए डर तो हर इंसान को लगता है जैसे कि अभी भी मेरे मन में मैं डर नहीं कहूंगी बट एक मतलब एक, एक एक्साइटमेंट एक एंक्शनेस है कि कल दर्शक फिल्म देख के क्या कहने वाले हैं उनको कैसी लगेगी फिल्म उनको मेरा किरदार कैसे लगेगा फिल्म की कहानी कैसे लगेगी क्या वो हमारे ह्यूमर पे हंसेंगे क्या उनको हसी आएगी क्या नहीं आएगी तो इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि कॉमेडी फिल्म में हमेशा यही मतलब होता है कि अगर थिएटर में एक जन हंसने लगता है तो सारे हंसने लगते हैं तो एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी ये जो कॉमेडी हमने बनाई है क्या दर्शकों को पसंद आती है कि नहीं तो वो तो डर हमेशा रहेगा मैं बड़ा कॉन्फिडेंट क्योंकि आपके साथ सालों हंसे हैं रोए हैं तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ बड़ी बात सबसे बड़ी दर्शक ने तो फिल्म पास कर दिया मेरे लिए तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है जैसे कि आज तक मैं अपने पिताजी को बहुत मिस करती हु क्योंकि मेरा ये जो सेकेंड इनिंग्स था हिचकी के साथ तब से लेकर अब तक मेरे डैडी ने मेरी कोई भी फिल्में देखी नहीं है क्योंकि वो मतलब गुजर गए तो अभी ऐसे लगता है कि अधीरा ने वो एक स्पॉट uh, एक पाया है मेरे जीवन में जहां uh, वो जब एक चीज देख के मुझे अपने इनसेंस में अपने सादगी में मुझे बोल देती है कि उन्हें पसंद आई तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो वो क्या एग्जेक्टली exactly बोली अधीरा आपको फिल्म देख के एक्चुअली वो कहती नहीं है इतने शब्दों में लेकिन उनका जो रिएक्शन है कि वो हस्ती है शर्माती है तो उसी से मुझे मतलब पता चल जाता है कि उसे बहुत बेहद पसंद आई है क्योंकि बच्चे बहुत ही आ, मतलब ओपन होते अपने रिएक्शन के साथ अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आए तो वो उठ के निकल जाएंगे क्योंकि उनमें ये नहीं रहता कि इसको बुरा लगेगा उसको बुरा लगेगा हम बड़े होने के बाद हमें ये सब सिखाया जाता है कि हमें मतलब किसी को मत मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए हमें तहजीब सीखनी चाहिए हमें ये करनी चाहिए हमें इस तरह से बात करनी चाहिए लेकिन बच्चे ऐसे मतलब भगवान का रूप होते हैं मतलब जो है वो वैसा दिखा देते हैं उनके उनके अः साथ कोई छल कपट नहीं होता है या उनको कोई सिखा नहीं सकता किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो अपने हिसाब से करते हैं अगर उन्हें कुछ पसंद आ जाती है चीज तो वो खुश हो जाते हैं एक मतलब हंसी आ जाती है अगर कुछ बुरा लगता है तो उनका शक्ल उतर जाता है तो वो उनके एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है रानी मतलब आ, मुझे पूरे जब से मुझे आ, मेरे इस पे मैसेज आ रहे थाई कंट्रीज के का, काफी सारे फैंस हैं आपके अलग अलग की आप रानी का इंटरव्यू कब करोगे आप रानी का इंटरव्यू कब करोगे मतलब 25 साल कंप्लीशन के बाद भी दर्शक आपके लिए पलक बिछाए इंतजार करते हैं हाउस इट फील्स गुड फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि हम जो आर्टिस्ट होते हैं हम तो इसी के लिए जीते हैं ना कि लोग हमें सराय या हमारे काम को सराय जो प्यार मिलता है हम उसी के वजह से स्टार तो बनते हैं और उसी के वजह से हमारा जो एक इनिंग्स बोलते हैं हम वो इनिंग्स उसी वजह से होता है कि दर्शक चाहते कि हमें देखे और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हर टाइम मेरे साथ ऐसे ही हो कि हर फिल्मों में दर्शक मुझे देखना चाहे तो एटलीस्ट मुझे एक मतलब आश्वासन होगा कि जो भी मैं काम करती हूँ मैं मन लगा के काम करती हूँ एटलीस्ट मेरे दर्शक वो देखने आएंगे और पसंद करना ना पसंद करना उनके ऊपर है लेकिन ये देखने आना बहुत मतलब बड़ी बात होती है क्या बात है मतलब एक लड़की तो आपके ऐसी बड़ी फैन है कि उसने रानी धर्म का ही स्वीकार कर लिया उसने नाम ही लीना मुखर्जी रख लिया इंडोनेशिया की लड़की है <laughs> <So sweet. laughs> so so, रानी मतलब अब फिल्म कल दर्शकों के बीच में आ गई और फिल्म देखने जाना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है जी अभी आपने आपकी कलिग्स को फिल्म दिखाई होगी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म लोग... दिखाई है बट बहुत जल्द दिखाऊंगी क्योंकि बहुत जरूरी था कि ये फिल्म पहले दर्शकों तक पहुंचे फिर सब आके देखेंगे क्योंकि सब में बड़ा उत्साह है ऐसा मतलब पहली बार हुआ है कि सब लोग इकट्ठा होकर एज ए फिल्म इंडस्ट्री चाहते हैं कि सबकी फिल्में चले ताकि सबका अच्छा हो Uh, तो ये एक अच्छा एक uh, मतलब टाइम है सब अपना अपना सब अपने अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और सब अपने हिसाब से uh, ये भी चाह रहे कि सबकी फिल्म अच्छी करे जैसे अब हमें इतनी खुशी हुई है कि सूर्यवंशी आई और इतने लोग गए पिक्चर देखने इतनी बड़ी हिट हुई है सूर्यवंशी तो हम सबके लिए एज एन इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी बात है सही बात है आखिरी दो सवाल पूछूंगा आपसे uh, हम मर्दानी का अगले सिक्वल का इंतजार कब तक खत्म करेंगे वो तो एक्चुअली अभी जो राइटर है फिल्म के गोपी वो आज मुझसे मिलने आ रहे तो मैं उनको डेफिनेटली कहूंगी कि जल्दी सी मतलब लिखना शुरू कर दीजिए और मैं खुद वेट कर रही हूं कि कब कोई मेरे पास मर्दानी थ्री का स्क्रिप्ट लेकर आएगा I mean, जल्दी लोगों का उस, उस उसका भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है क्योंकि दो, दोनों पार्ट बहुत अच्छे से वेल रिसीव रहे जी। तो उस कैरेक्टर को आगे बढ़ाना जरूरी है एब्सोलूटली सो so, लास्ट में अभी कपिल के शो में आपने ये एडमिट किया कि आमिर आमिर पे आपका क्रश था ये आमिर को आपने बताया उसका रिएक्शन क्या को अभी भी पता है आमिर तो मतलब हंसते रहता है उस बात से उसको उस टाइम भी, भी पता था अभी भी पता है अभी पता उसको दुख इस बात का है कि मेरा प्यार मेरे हस्बैंड से हो गया है <laughs> चलिए रानी आपसे बात तो मैं अनवरत कर सकता हूँ लेकिन आपको लगातार इंटरव्यूज दूसरे भी करना है जी आपसे मुलाकात हुई बड़ा मजा आया आपसे बातें करना हमेशा ही रोचक रहता है विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और हम उम्मीद करेंगे अगले इंटरव्यू का बताना की आपको कैसी लगी पिक्चर निश्चित तौर पर जरूर फीडबैक देना मुझे